गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। द नेक्स्ट टॉपिक है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फिफ्थ चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 चल रही थी। ठीक है, मैं इससे पहले आपको कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिखा चुका हूं, इस समय मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। z = a + iota b एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, z = a + iota b एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इस z का मॉडुलस क्या होगा? हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं। मॉडुलस की डेफिनेशन अभी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि इसको निकालने का तरीका क्या है वो याद कर लो। ठीक है, जैसे कि z = a + iota b गिवन है, तो z का मॉडुलस दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगाओ, मॉडुलस का सिंबल ये होता है, दैट इज ये मॉडुलस का सिंबल है। ठीक है, इसे मॉडुलस ऑफ z बोलेंगे या मैग्नीट्यूड ऑफ z। z का मॉडुलस इससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, z दोनों तरफ ऐसे लाइनें ड्रॉ कर देंगे, ये मैग्नीट्यूड या मॉडुलस के लिए रिप्रेजेंट की गई है, दैट इज इक्वल टू, ये पूरा रिजल्ट बराबर है, कैसे स्क्वायर रूट लगाना जरूरी है, a जो इसका रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जिसका इमेजिनरी पार्ट है b उसका स्क्वायर, बस ये z का मैग्नीट्यूड है। रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, जिसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ z उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z उस पूरे का होल स्क्वायर, बस ये टेक्निक आपको याद रखनी है। फॉर एग्जांपल z बराबर 2 + 3 iota, ठीक है, a + iota b की फॉर्म होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z बराबर 2 + 3 iota, तो z का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ, रियल पार्ट कौन है 2 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है 3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, आंसर एंड रूट ऑफ 30, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ z, यही है मॉडुलस ऑफ z बोल दो, मॉडुलस ऑफ z या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ z एक ही बात है। एक और एग्जांपल आ गया, -2 -3 iota, इसका मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू z का मैग्नीट्यूड निकालो, चलो स्क्वायर रूट ऑफ, रियल पार्ट कौन है -2 का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट कौन है -3 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 एंड रूट ऑफ 30, मतलब रियल पार्ट माइनस का 2 है, नेगेटिव है, तो जो है चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो लेना है, -2 तो -2 लिया और +2 का +2 का होल स्क्वायर लिया, ठीक है, -2 का स्क्वायर कर दिया, इमेजिनरी पार्ट -3 तो -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर रूट तो लेना ही लेना है, तो रूट ऑफ 13, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, निकालने की ट्रिक समझा चुका हूँ, ये याद रखनी है आपको। ठीक है, आगे देखेंगे। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, मैं यहाँ समझना चाहता हूँ आपको, देखो क्या है इसका मतलब, वो देखते बेटा, जेड बराबर ए प्लस आउट ऑफ बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप जानते हैं इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, ए कोमा बी, क्योंकि मैंने आपको बता रखा हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में एक कोऑर्डिनेट पॉइंट जरूर मिलना चाहिए, तो इसके हिसाब से ए कोमा बी का एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब मैं मॉडुलस की अगर बात करता हूं, तो मॉडुलस है क्या चीज, मॉडुलस का क्या मतलब है, क्या चीज होती है मॉडुलस, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड ओरिजिन और दैट कोऑर्डिनेट पॉइंट, which is correspond to given complex number,
इसका क्या मतलब है? बीच सबसे बड़ी तो मॉडुलस है क्या? डिस्टेंस, दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली मॉडुलस उसका वेट के वेट को रिप्रेजेंट करता है, वेट को भी वेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पे कैसे निकाला गया है डिस्टेंस किसके बीच में? ओरिजिन और ओरिजिन और किसके बीच में? ओरिजिन एंड दैट कोऑर्डिनेट पॉइंट, उस कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में। किस कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में? इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में। ये जो कोऑर्डिनेट बताया गया है, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की ओरिजिन से जो दूरी है वो दूरी ही क्या कहलाती है? इसका मैग्नीट्यूड कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दैट कोऑर्डिनेट पॉइंट, वो कोऑर्डिनेट पॉइंट, जैसे कि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट कौन है? ये कोऑर्डिनेट पॉइंट। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट किसका है? ये जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है जो कि कोरेस्पोंड है, मतलब कोरेस्पोंड इसकी वजह से ये पॉइंट आया, इसके रेस्पेक्ट में, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट आया। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, उसके कोरेस्पोंड जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट की ओरिजिन से दूरी, दैट इज द मॉडुलस। जैसे कि मान लीजिए जेड बराबर आपको गिवन है यहाँ पर ए प्लस आयोटा भी, इसके कोरेस्पोंडिंग पॉइंट क्या है? ए कोमा भी, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर मैं चेक करूं, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या बेटा? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ए प्लस आई होता है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कोमा बी के बराबर है। एक्स की वैल्यू ए मान लेता हूं, वाई की वैल्यू बी मान लेता हूं। आप जानते हैं रियल पार्ट जो एक्स एक्सिस पे होता है, जो इमेजरी पार्ट होता है वो वाई एक्सिस पे होता है। तो ये पॉइंट यहां पे मिलना चाहिए, यहां मिलना चाहिए। ये पॉइंट क्या आ गया? ए कोमा बी, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। एक्स एक्सिस के ऊपर ए हो गया, वाई एक्सिस के ऊपर बी हो गया, ये पॉइंट ए कोमा बी होना चाहिए। अब ये पॉइंट जो कोई को दे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होता है? ओरिजिन जीरो जीरो होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आपको क्या करना है? इस पॉइंट को आप लोग आपको इससे ज्वाइन कर देना है, ये चाहो तो इस पॉइंट को बी ए से ज्वाइन कर, ये ओ पॉइंट है, ये ए कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ। वैसे ये कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? ए कोमा जीरो, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है, तो ये पॉइंट ए कोमा जीरो होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस किसके बराबर आ गया? ए के बराबर। ये डिस्टेंस किसके बराबर है? बी के बराबर। ये 90 डिग्री का एंगल बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ओबी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ना, ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां से ओबी किसके बराबर आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब आपको पहले समझा चुका हूं कि जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस बी कौन है? इसका इमेजरी पार्ट, इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो OB जो आया, जो OB आया उसे ही जेड का मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखो बस, यही क्या है OB जो है, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जेड। इस जो डायग्राम मैंने आपके सामने बनाया है उसके हिसाब से मैंने बता दिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है। तो हमने क्या करा है? ए प्लस आई ओटा बी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट ए कोमा बी आ गया। एक्स एक्सिस पे ए लिया, वाई एक्सिस पे बी लिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो यहां से, जो ये पॉइंट आया ए कोमा बी, ए और बी पे जो कोऑर्डिनेट पॉइंट बनता है ए कोमा बी, इसके रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट पॉइंट पे एक मॉबी आ गया हमारे पास। अब इस पॉइंट ओरिजिन से जोड़ दो, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है जीरो जीरो, ये डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस बी, तो ये बी होना चाहिए सामने, ये ए है, ये बी है, 90 डिग्री एंगल बनाया है। ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करना, ओरिजिन से जरूर जोड़ना है। मैंने ये तो कहा कि इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है, ओरिजिन की इस पॉइंट से जो क्या है डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जेड का मैग्नीट्यूड है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ओबी का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस में कौन है? ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है? बी का स्क्वायर। तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो हम रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये ओबी क्या है? ओबी क्या है? जो ये पॉइंट है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में गिवन है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पॉइंट को। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं उसकी कोई लेंथ नहीं होती, उसकी कोई ब्रेड्थ भी नहीं होती, उसकी कोई विड्थ भी नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती? क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कोऑर्डिनेट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है बस। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जस्ट ए पॉइंट। और पॉइंट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है। ठीक है, तो फिर मैग्नीट्यूड क्या हुआ? तो मैग्नीट्यूड पर सिर्फ इतना बताया गया है कि जो इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है उसकी ओरिजिन से दूरी निकाल लो, डिस्टेंस फार्मूले से या कैसे भी निकाल लो। तो इनके बीच जो दूरी आएगी जिसमें मैंने ओबी नाम दिया है, वो ओबी ही क्या कहलाता है? इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। वैसे इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं, सिर्फ डेफिनेशन थी, इसको समझा है। ठीक है ना, इसको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर करना चाहे तो वैसे नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऐसे सब करने की जरूरत नहीं होगी। हम क्या करेंगे? सीधा रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर का स्क्वायर, बस दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, चलो मैं आगे चलता हूँ।
बस मॉड्यूलस करो इतना ही था। अब मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको समझाना चाहूंगा, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जेड को जेड के बाहर से मल्टीप्लाई करते तो जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आया। प्रॉपर्टीज पहला, जेड को बाहर से गुना कर दे तो जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और ये रिजल्ट हमेशा सच होता है। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, जेड को जेड के बाहर से मल्टीप्लाई करे तो जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर आएगा। लेट हम मान लेते हैं जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, ठीक है। आपको मैंने जेड का मैग्नीट्यूड निकालना समझा रखा है। जेड का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। कई बच्चे गलती करते हैं जेड का मैग्नीट्यूड निकालते समय, मैं बताना चाहूंगा क्या गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है। रियल पार्ट का होल स्क्वायर तो लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं। और वो क्या गलती करते हैं, जब इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर लिखना होता है तो आयोटा और बी दोनों को ले लेते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस वन माइनस। गलत, यहाँ पे आयोटा बी नहीं लेना कभी भी, यहाँ पे सिर्फ आयोटा का कोफिशिएंट जो दे रखा है वो ही देते हैं। अगर आपने साथ में आयोटा लिया तो देखते ही आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ये जेड का मैग्नीट्यूड आपके सामने रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जेड का मैग्नीट्यूड तो आगे उसका होल स्क्वायर करने के लिए कह रहा है, जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, चलो करो तो जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करने पे अनरूट हट जाएगा तो यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इसका राइट हैंड साइड, तो हमने राइट हैंड साइड निकाल दिया, एक रेजोल्यूशन से राइट हैंड साइड है जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में जेड इनटू में जेड का बार है। अगर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है तो जेड का बार क्या होना चाहिए? जेड का बार जैसे लगाऊंगा आप जानते हो बार, बार मतलब कंजुगेट, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट से रहेगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव बन जाएगा। जेड इनटू डाल दो ए प्लस आयोटा बी, जेड के बाहर की वैल्यू डाल दो ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। ये ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें तो क्या है आयोटा स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है बेटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि राइट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों रिजल्ट कैसे आ रहे, सेम। तो मैं कह सकता हूँ राइट जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, जेड इनटू जेड के बार। तो आज से याद रखो जेड इनटू में जेड का बार बराबर होगा जेड के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी को बेटा याद करनी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ रहा हूं मैं। अगला कहता है ऐसे प्रॉपर्टी तो बेटा बहुत सारी है, जितनी मर्जी कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर जेड के मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर तो जेड भी जीरो होना चाहिए। दूसरी, इफ यही समझ लो, अगर जेड इज इक्वल टू जीरो है देन आई डबल एफ, इफ देन जेड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू जीरो। बीच में आई डबल एफ वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, आई डबल एफ। इसका मतलब है पहले पार्ट में प्रूव करूंगा, इफ अगर जेड जीरो है देन जेड का मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। दूसरे पार्ट में प्रूव करूंगा अगर जेड का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है, अगर जेड का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर है देन
चैट भी जीरो के बराबर होगा। ये दो पार्ट हम प्रूव करना चाहेंगे। इफ एंड ओनली इफ एक वर्ड लिखा हुआ आई डबल एफ, आई डबल एफ लिख रखा है। इस आई डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इसका मतलब होता है कि एक बार इसको सच मानोगे मानोगे और इसको सच प्रूव करके दिखाएंगे, एक बार इसको सच मान के चलेंगे और इसको सच करके दिखाएंगे। जब क्या कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर है तो कहता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होना चाहिए। अब कहता है कि किसी का मैग्नीट्यूड अगर जीरो के बराबर हो तो प्रूव करो कि जेड जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट चेक करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट मान लेते हैं जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बराबर है ए प्लस आयोटा बी, ठीक है, जहां ए को बी बिलोंग करना चाहिए ऑल रियल नंबर, ठीक है जी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, पहले पार्ट की तरफ आता हूँ। पहले पार्ट में इफ जेड इक्वल टू जीरो मान लिया, लेट जेड जीरो के बराबर है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ इफ जेड इक्वल टू जीरो, तो हमने मान लिया जेड इक्वल टू जीरो के बराबर है। हम ये प्रूव करेंगे कि जेड का मैग्नीट्यूड भी जीरो होना चाहिए। अगर जेड जीरो तो जेड का मतलब क्या है, ए प्लस आयोटा बी खुद जीरो के बराबर, तो ए प्लस आयोटा बी अगर जीरो के बराबर, जीरो की लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आयोटा, मैं जीरो की लिख सकता हूँ जीरो प्लस जीरो आयोटा, ठीक है। कंपेयर कर लें, अगर कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, रियल पार्ट के बराबर आएगा और इमेजरी पार्ट के बराबर आएगा, तो ए की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी और बी की वैल्यू भी जीरो आ जाएगी। अगर मैं मान के चला हूँ जेड बराबर जीरो, जेड का मतलब था ए प्लस आयोटा बी, जेड मान तो पड़ेगा कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको ए प्लस आयोटा बी मान लिया, ठीक है। तो ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू जीरो है, तो जीरो लिख सकते हैं जीरो प्लस जीरो आयोटा, ए की वैल्यू जीरो आ गई और बी की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। मुझे प्रूव करना है कि फर्स्ट पार्ट में कि जेड का मैग्नीट्यूड बराबर जीरो होना चाहिए, जेड का मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। अब जेड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अगर जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी हो तो जेड बराबर बेटा ए प्लस आयोटा बी हो तो जेड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, याद करो रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब ए किसके बराबर है जीरो, फिलहाल ए की वैल्यू जीरो स्क्वायर कर दो जीरो का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है जिसमें डाल दो जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो, इस जीरो का स्क्वायर कितना होता है जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है जीरो, जीरो का स्क्वायर क्या है। तो हमने क्या माना, अगर जेड की वैल्यू जीरो के बराबर थी तो हमने प्रूव करके दिखाया कि जेड का मैग्नीट्यूड भी जीरो के बराबर आना चाहिए। अब दूसरा पार्ट चेक करते हैं, सेकंड पार्ट, लेकिन पहले पार्ट को करो चाहे दूसरे पार्ट को करो उस दोनों केस में जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी माना गया। दूसरे पार्ट को मानना है जेड की जेड का मैग्नीट्यूड अगर जीरो के बराबर हो, लेट जेड का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जीरो, मान लिया कि जेड जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकला इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे वो आंसर जीरो आया, ठीक है। जेड का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया जीरो के बराबर। अब इस जेड का मैग्नीट्यूड जेड क्योंकि ये है ना, जेड किसके बराबर है ए प्लस आयोटा बी के बराबर है, उसका मैग्नीट्यूड जीरो है, तो जेड का मैग्नीट्यूड निकालते कैसे वो चेक करो, जैसे कि आपने यहाँ निकाला जेड का, ठीक है। उसी तरह से जेड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, जेड का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ बेटा, जेड के मैग्नीट्यूड जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, तो रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट बी है तो बी का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो बेटा जेड का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, जेड बराबर ये रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर। जेड का मैग्नीट्यूड आपको मैग्नीट्यूड कैसे निकालना वो पता होना चाहिए और जेड का कंजुगेट कैसे निकालना वो पता होना चाहिए। मान लो बच्चा कंजुगेट और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस ही नहीं कर पा रहा तो फिर वो क्वेश्चन क्या सॉल्व करेगा, ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये आया, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए और बी कोई भी दो रियल नंबर, ठीक है। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है, जब ए और बी दोनों ही किसके बराबर है जीरो। बेटा दो नंबर है, एक नंबर है उसका स्क्वेयर कर दें, दूसरा नंबर है उसका स्क्वेयर कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो आ गया जीरो। तो ये जीरो तभी आ सकता है जब ए भी जीरो हो और बी भी जीरो, अदरवाइज नहीं आ सकता। अगर ए और बी दोनों में से कोई भी एक अगर नॉन जीरो हो जाए, मतलब दोनों में से कोई भी एक जीरो ना हो, तो इसका आंसर कभी भी जीरो नहीं आएगा। जीरो आने के लिए ए को भी जीरो होना पड़ेगा और बी को भी जीरो होना पड़ेगा, तो ए भी जीरो के बराबर होना चाहिए और बी भी जीरो के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो ये तो हमने प्रूव कर दिया कि ए और बी दोनों जीरो है, जेड का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर लिखे चाहिए। मुझे प्रूव करना है जेड बराबर जीरो, जेड को जीरो पे लिखना, तो जेड ना हो हम जेड लेके चलते हैं अपने तरफ से, जेड बराबर क्या था ए प्लस आयोटा में, लेकिन ए किसके बराबर आ गया और बी किसके बराबर आ गया, दोनों जीरो है तो जीरो से पुट कर दो, जीरो प्लस
जीरो का एड्रेस जीरो प्लस जीरो आंसर क्या आ गया, तो जेड के मैग्नीट्यूड को जीरो माना था हमने और फिर जेड को जीरो दिखा दिया, बस वही खत्म। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट। अगली प्रॉपर्टी चेक करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर है थर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी जेड1 इनटू में जेड2 का मैग्नीट्यूड बराबर है जेड1 का मैग्नीट्यूड इनटू में जेड2 का मैग्नीट्यूड। अब कुछ प्रॉपर्टी जो मैं आपको यहां समझाने जा रहा हूं वो ये, पहला जेड1 इनटू जेड2 का मैग्नीट्यूड बराबर है ये हो गया, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये बताऊंगा, एक ये बता दूंगा, ठीक है, एक ये बता दूंगा बस। बेटा सारी प्रॉपर्टी तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन कुछ दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूं। ये बराबर है जेड1 का मैग्नीट्यूड, एक तो ये बताएंगे कि जेड1 और जेड2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको प्रोडक्ट कर रखा है, इस पूरे पर मैग्नीट्यूड का सिंबल लगा रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू जेड1 के ऊपर मैग्नीट्यूड अलग अलग लगा दो, जेड2 पे मैग्नीट्यूड अलग अलग लगा दो, दोनों बराबर है। अच्छा एक प्रॉपर्टी ये है जेड1 अपन में जेड2 उस पूरे का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू जेड1 का मैग्नीट्यूड अपन में जेड2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। एक ये प्रॉपर्टी है, एक ये भी है जेड1 प्लस जेड2 का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होता है जेड1 का मैग्नीट्यूड प्लस जेड2 का, ठीक है। तो वो इसमें अलग चीज आएगी, यहाँ प्लस का निशान है लेकिन यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, इन दोनों के अंदर इक्वल का निशान है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं, ये बड़ा रहेगा या बराबर भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है आंसर, लेकिन या तो ये पूरा रिजल्ट लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ये तीन प्रॉपर्टी के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहली प्रॉपर्टी जेड1 इनटू में जेड2 का प्रोडक्ट, ये प्रूव कर लो, ठीक है। कुछ नहीं करना, जेड1 मान लो जेड2 मान लो, दोनों के लिए अलग अलग निकाल लो, बस यही करना है। लेट जेड1 बराबर ए प्लस आयोटा बी, जेड2 बराबर सी प्लस आयोटा डी। जेड1 को जेड2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, जेड1 को मल्टीप्लाई जेड2 से, जेड1 ये रहा जेड2 ये, इसको मल्टीप्लाई किससे, सी प्लस आयोटा डी से, एक को उठा रहा हूं दोनों से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा तेज कर रहा हूं, आयोटा ए डी, आयोटा बी को सी से प्लस आयोटा बी सी प्लस, ठीक है। आयोटा बी को इससे आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर बी को डी से बी डी, बट आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है, ठीक है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो माइनस का बी डी आ जाएगा। आयोटा कॉमन निकाल लो इसमें से, यहाँ ए डी प्लस बी सी आ गया, ठीक है जी। ये जेड1 इनटू में जेड2 का मैग्नीट्यूड आपके सामने आ गया। अब कहता है इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। जो जेड1 इनटू में जेड2 जो आंसर आपके सामने आ जाए, जब ये आंसर आ जाए जेड1 इनटू जेड2, जेड1 इनटू जेड2 का जो आंसर आया उसे ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है बेटा। रियल पार्ट कौन है, ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी दैट इज रियल पार्ट, और ए डी प्लस बी सी दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं, रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर बोल दो बेटा, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए इंटू में प्लस, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए सी बी डी बन गया, ए सी बी डी आ गया, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए डी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए डी बी सी, ठीक है जी। ये क्या है, ए का स्क्वायर प्लस दिस इज बी, बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी टू ए डी थ्री बी सी। आपको क्या लगता है ये जो रिजल्ट है और ये रिजल्ट, ये दोनों कैसे हैं,
देख लो ए सी बी डी इसमें है, ए सी बी डी, ए सी बी डी दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर इंटू में सी स्क्वायर, ठीक है। जो कॉमन निकलता है निकाल लेंगे, इसमें से मुझे लगता है ए कॉमन निकल रहा है, ए कॉमन निकाल लो, ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर कॉमन, इन दोनों में से जहाँ पे डबल लाइन है ए स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इन दोनों के अंदर से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लो, बी स्क्वायर कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचेगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सोचो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसमें भी है और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसमें भी, दोनों में तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या क्या बचेगा ए प्लस यहाँ क्या बचेगा बी स्क्वायर, ठीक है। बीच में दोनों बीच में क्या मल्टीप्लाई है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर स्क्वायर रूट अलग, इस पर स्क्वायर रूट अलग, अच्छा जब दोनों में स्क्वायर रूट अलग लगा दिया तो जेड वन किसके बराबर है, ये रहा। तो सोचो जेड वन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ चेक करें, जेड वन का मैग्नीट्यूड रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट बी है बी का स्क्वायर, ऐसे ही जेड टू का मैग्नीट्यूड नहीं पाएगा, जेड टू का जेड टू का सी प्लस आल्फा डी, तो सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, ठीक है जी। जेड वन का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, जेड टू का आपके सामने ऊपर निकाल के दिखा रखा है, ठीक है। तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो किसके बराबर है, जेड टू के मैग्नीट्यूड, तो इसकी जगह जेड टू का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ और इसकी जगह जेड वन का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूँ। तो जेड वन का मैग्नीट्यूड क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर का स्क्वायर रूट, अभी इधर से निकाला है इसको इधर से निकाला है, ठीक है। तो हमने प्रूव कर दिया जेड वन इंटू में जेड टू का मैग्नीट्यूड बराबर होता है जेड वन का मैग्नीट्यूड इंटू में जेड टू का मैग्नीट्यूड, खत्म भाई। नेक्स्ट, तो यहाँ प्रूव कर दिया है जेड वन इंटू में जेड टू का मैग्नीट्यूड बराबर होता है जेड वन का मैग्नीट्यूड इंटू में Z2 का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, नेक्स्ट